दोस्तों कतर का किसी भी कंपनी में अगर आपका काम हुआ है और आपका वीजा नंबर शो कर रहा है ऑनलाइन चेक करने के बाद, लेकिन नीचे जो शो कर रहा है अंडर आउटसाइड प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, आज कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अंडर आउटसाइड प्रोसेस के बाद कितने दिनों के बाद आपका वीजा प्रिंट हो जाता है, लग जाता है। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे अगर आप लोग पहली दफा होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे भाई अंडर आउटसाइड प्रोसेस जो आपको नजर आ रहा है, ये खत्म उस वक्त होता है जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है। अंडर आउटसाइड प्रोसेस का मतलब होता है जब आपको लिंक नजर आता होगा, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये रीडायरेक्ट कर देता है कतर वीजा सेंटर पे। कतर वीजा सेंटर आपका QVC जो बोलते हैं, QVC का फुल फॉर्म होता है कतर वीजा सेंटर। अब आपको यहां से अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको उस जगह पे जाना पड़ता है, कतर वीजा सेंटर पे जाना पड़ता है। वहां पे जाने के बाद आपका मेडिकल होगा, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आपका एक्सरे होगा, उसके बाद से उसका जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट फिर MOH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो होता है कतर का, वहां पे सेंड कर दिया जाता है। अगर फिट होंगे उसके बाद से कंपनी आपका वीजा का जो फीस होता है वो फीस गवर्नमेंट को पे करेगी, उसके बाद से आपका वीजा प्रिंट हो जाएगा। वीजा नंबर शो कर रहा है इसका मतलब है कि आपका काम प्रोसेस में है। अभी आउटसाइड प्रोसेस है, आउटसाइड प्रोसेस के मतलब आपको बता दिया कि वीजा आपका इशू हो चुका है, लेकिन अभी आउटसाइड प्रोसेस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक आपका मेडिकल नहीं हुआ है, या अगर आपका मेडिकल हो गया है तो उसका रिपोर्ट है जो वो सबमिट नहीं हुआ है MOH के पास। जब तक ये सबमिट नहीं होगा, आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, तब तक आपका वीजा का फीस जो होता है कंपनी पे नहीं करेगी। जब तक वीजा का फीस पे नहीं करेगी तब तक आपका वीजा प्रिंट नहीं होगा। और रही बात एक कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो कतर वीजा सेंटर जो QVC होता है उसका फीस जो होता है वो कौन पे करता है। मेरे भाई इसको पूछने की जरूरत नहीं है। कतर वीजा सेंटर यानी जो मेडिकल होता है, मेडिकल का जो फीस होता है वो इम्प्लॉयर पे करता है। इम्प्लॉयर का मतलब होता है कि जिस कंपनी में आपका काम हुआ है वो कंपनी वाला पे करेगा। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मुझे पता है कि आज के डेट में जितने भी एजेंट लोग हैं, जितने भी ऑफिस वाले लोग हैं, वो लोग कैंडिडेट से 10,000-15,000 रुपये वो लोग ले लेते हैं, बोलते हैं कि ये QVC का फीस है, यानी कि कतर वीजा सेंटर आपका जो मेडिकल होगा मेडिकल का फीस है। वो भी बहुत एजेंट होते हैं बोलते हैं नॉन रिफंडेबल फीस है, लेकिन जो इसका जो फीस होता है वो फीस इम्प्लॉयर पे करता है। और मैं हवा हवाई में बात नहीं करता हूं, अगर विश्वास आपको नहीं होगा तो कतर वीजा सेंटर यानी QVC का वेबसाइट पे जा करके आप लोग देख सकते हैं, या आपको जो प्रिंट दिया होगा, अपॉइंटमेंट दिया होगा जो कि मेडिकल कराने के लिए, उस प्रिंट पे यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर पे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, जहां पे लिखा होगा कि पेड बाय इम्प्लॉयर, यानी इम्प्लॉयर कौन होता है कंपनी, इम्प्लॉय कौन होता है हम लोग, यानी कि जो लोग काम करते हैं कंपनी में उसको बोलते हैं इम्प्लॉय बोलते हैं या वर्कर बोलते हैं, कंपनी या इम्प्लॉयर कंपनी को बोलते हैं, तो कंपनी पे करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आउटसाइड प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अगर आउटसाइड प्रोसेस आपका हो रहा है, आपका मेडिकल हो रहा है, तो मेडिकल का जो फीस होता है वो कौन पे करता है, इम्प्लॉयर पे करता है। अब रही बात कि बहुत लोगों का QVC का अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, ठीक है, उनका डेट भी आ चुका है कि इस डेट में आपको अपॉइंटमेंट है और इस डेट में आपको जाकर के आपका मेडिकल कराना है, लेकिन उस डेट में आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ गया, हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया, तो क्या वो डेट को आप चेंज कर सकते हैं, रिशेड्यूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप रिशेड्यूल कर सकते हैं उस डेट को। आपको कैसे रिशेड्यूल किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद से एक और प्रॉब्लम लोगों का कभी कभी आ जाता है कि क्या हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि दिल्ली अगर हम नहीं जाना चाहते, अगर हम कोलकाता के हैं, अगर दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं तो क्या कोलकाता में हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है अभी। और तो और अगर आप उसका डेट हो गया चेंज, उसके बाद से अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और भी जो भी जानकारी होगा कतर वीजा सेंटर के रिलेटेड, कतर वीजा के रिलेटेड, तो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।